Good morning, students. It is the video number 5 of chapter motion, class 9th, and today we discuss about the different graphs. So you well know about the graph. You made some graph in the mathematics also. So there we have to discuss about the two types of graph. That one is the position time graph and one is the velocity time graph. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोजीशन का सिंबल होता है वो एक्स होता है, इसलिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी बोल देते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ग्राफ बनाए हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, आप सबको पता होगा ये वाई एक्सिस होता है और ये इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है और नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस है। आप सब लोगों ने ऐसे देखा होगा, आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है इस पर हमने टाइम को लिया है, किसको लिया है, टाइम को, और वो किस में लिया है, सेकेंड में, किस में लिया है, सेकेंड में। और ये जो वाई एक्सिस है इस पर हमने पोजीशन ली है, क्या ली है, पोजीशन, और वो किस में ली है, वो मीटर में ली है, किस में ली है, वो मीटर में ली है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर हमने जो है पोजीशन ली है और वो मीटर में है। से यहाँ पर ओरिजिन है जीरो, टाइम सेकंड में चेंज होगा, जीरो सेकंड, वन सेकंड, टू सेकंड, थ्री सेकंड, फोर सेकंड, फाइव सेकंड एंड अप टू सो ऑन, हम जो भी रीडिंग लेना चाहते हैं। मे बी आप वन वन का गैप ना लो, आप ज़्यादा ले सकते हो, जीरो सेकंड, टू सेकंड, फोर सेकंड, सिक्स सेकंड, एट सेकंड। सिमिलरली ये जो पोजीशन है ये भी हमने चेंज किया, जैसे ये यहाँ ले लिया हमने 10 मीटर, ये ले लिया यहाँ पर हमने 20 मीटर, ये जो यहाँ पर है ये अभी नहीं है, ठीक है, और ये यहाँ पर है 30 मीटर, ये है 40 मीटर, और हम चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे टाइम क्या है, सेकंड में, जीरो सेकंड, टू सेकंड, फोर सेकंड, सिक्स सेकंड, एट सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर हमने पोजीशन लिया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो अब हमने टाइम नोट किया, तो जब टाइम जीरो था तो कोई पर्सन की जो पोजीशन थी, अपने होम से समझ लो कि लाइक ओ ओरिजिन पे उसका होम है, तो अपने होम से 30 मीटर दूर था, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा। जब 2 सेकंड पास हो गए तब भी वो 30 मीटर दूर ही था, जब 4 सेकंड पास हुए तब भी वो 40 मीटर दूर था, जब 6 सेकंड हो गए तब भी वो 30 मीटर दूर है, जब 8 सेकंड हो गए तब भी वो 30 मीटर दूर है, जब 10 सेकंड हो गए तब भी वो 30 मीटर दूर है। तो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हमें ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो उसकी जो पोजिशन थी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, उसके होम से उसकी जो पोजीशन थी वो हमेशा हर टाइम कितनी रही, 30 मीटर, इट मीन्स वो मूव नहीं कर रहा था, इट मीन्स ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ड्रॉ इट्स पोजिशन टाइम ग्राफ, ऐसे भी आ सकता है, ये रिवर्स, ये ग्राफ आपको दिया जाएगा, वो पूछेगा बताओ व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस ग्राफ, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आई होप आप सबको अभी क्लियर होगा, अब मैं बाकी ग्राफ में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये फिर से इस साइड हमने क्या लिया, टाइम, किस में, सेकेंड में, इस साइड हमने क्या ली, पोजिशन, किस में, मीटर में। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा इस साइड, जीरो सेकेंड, टू सेकेंड, फोर सेकेंड, सिक्स सेकेंड, वैसे वैसे जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, जीरो सेकंड में पोजीशन ये थी, दो सेकंड के बाद पोजीशन यहाँ थी, चार सेकंड के बाद पोजीशन यहाँ थी, सिक्स सेकंड के बाद यहाँ थी, एट सेकंड के बाद यहाँ थी, सब इन सब को हम मिलाएंगे तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा एंड स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ओ। तो इट मीन्स ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार मोशन कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको समझ में आया। और क्योंकि देखो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी
ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो ये ग्राफ भी ओरिजिन ओ से स्टार्ट हुआ है, बट इसमें आप क्या देख रहे हो, ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो मोशन तो कर रहा है ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है टाइम टू टाइम, स्पीड इंक्रीजेस। इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसने इस तरह से कर्व पाथ फॉलो किया है, इट मीन्स इसमें स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्पीड क्या हो गई है, डिक्रीज। सिमिलरली इसमें भी हमने यहाँ पे टाइम लिया था सेकंड में, इस साइड हमने पोजीशन ली थी मीटर में। सिमिलरली इसमें भी यहाँ हमने पोजीशन ली थी मीटर में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने टाइम लिया था किसमें, सेकंड में। तो ये फोर ग्राफ हैं हमारे, किसके, एक्स टी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो ये ग्राफ आपको ये नजर आ रहा है ये वी टी ग्राफ है। वी टी ग्राफ कैसे होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया किसमें, सेकंड में, और इस साइड हमने ले ली वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या ली है, मीटर पर सेकंड। क्या ली है, मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनो, इस साइड हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम किसमें, सेकंड में, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे जीरो था, 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर पोजीशन वेलोसिटी थी 10 20 30 एंड अप टू सो ऑन। तो हमने देखा जब 0 सेकंड था तब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, तो ये पॉइंट आएगा। जब 2 सेकंड पास हो गए तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। जब 4 सेकंड पास हुए तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। जब 6 सेकंड हुए तब भी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। यानी हर टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस, ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हर सिचुएशन में सेम रहती है। तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मोशन कर रहा है। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, तो डायरेक्शन शायद चेंज होगी तो इसलिए वो चेंज हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ क्या ली है, स्पीड। नेक्स्ट हम बात करें तो फिर से ये एक वीटी ग्राफ है। यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइम किसमें, सेकंड में। यहाँ पे हमने क्या ली, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आप ग्राफ देख रहे होंगे, जब टाइम जीरो था तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, जब टाइम 2 सेकंड होगा तो यहाँ पॉइंट आता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी 0 से बढ़कर 10 हो गई। जब 4 सेकंड हुए तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज होकर 20 हो गई, तो यहाँ पॉइंट आया। जब टाइम 6 सेकंड पास हो गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 सेकंड हो गई। एंड ऐसे ही हम ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और उनको अगर हम मिलाएंगे तो ये हमें लाइन मिलेगी विच इज पासिस फ्रॉम ओरिजिन ओ। अब आप एक बात नोट कर रहे हो, जब टाइम जीरो था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी, मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। तो यानी इस ग्राफ से इन्फॉर्मेशन मिला हमें कि u जो था वो जीरो था। u याद करो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, बट उसके बाद उसकी स्पीड लगातार कॉन्टिन्यूसली, वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो यह आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या शो कर रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना, 0 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये जो ग्राफ है इसमें भी हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है किसमें, सेकंड में, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या देखा, जब टाइम जीरो था तो ये पॉइंट आया, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो ये पॉइंट आया, जब टाइम 4 सेकंड था तो ये पॉइंट आया, जब 6 सेकंड था तो ये पॉइंट आया। मींस वही स्ट्रेट लाइन है, बट अब की बार ये ओरिजिन ओ से स्टार्ट नहीं है। अगर ओरिजिन ओ से नहीं स्टार्ट है ये कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, लाइक यहाँ पे 10 है,
ठीक है, ये 20 है, इसके सामने ये 30 था, इसके सामने ये 40 था। तो जब टाइम जीरो था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 20, यानी कि वो रेस्ट पर नहीं था। तो इस ग्राफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट u इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसका सिंबल होता है? इक्वल को अगर आप क्रॉस कर दो तो क्या मतलब है? u इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली नॉट एट रेस्ट, इनिशियली नॉट एट रेस्ट, बट जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी इसमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? देखो ध्यान से सुनो, इन दो ग्राफ में ये दो ग्राफ बिल्कुल सेम है, डिफरेंस ये है कि ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। ये ओरिजिन से स्टार्ट होने का मीनिंग है कि जब टाइम जीरो था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी जीरो थी, यानी इनिशियली वो रेस्ट पर था। बट इसमें जब टाइम जीरो था तो वो ग्राफ 20 से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। इट मीन्स वो स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, यानी कि वो इनिशियली रेस्ट पर नहीं था। अब ये ग्राफ देखिए ध्यान से, इस ग्राफ में भी हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिया? टाइम, किस में? सेकंड में। और वाई एक्सिस पे क्या लिया? वेलोसिटी, किस में? मीटर पर सेकंड में। तो हमने देखा जब टाइम जीरो था तब ये पॉइंट आएगा, जब टाइम 2 सेकंड था तो ये पॉइंट आया, जब टाइम 3 सेकंड था तो ये पॉइंट आया, जब टाइम 4 सेकंड था तो ये पॉइंट आया, जब 5 सेकंड था तो सॉरी 6 सेकंड था तब ये पॉइंट आया। तो जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब क्या है? ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको? यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेट इट बी 40, यहाँ पे 30, सिमिलरली यहाँ पे 20, सिमिलरली यहाँ पर 10, है ना, लेट इट बी स्टार्टेड फ्रॉम 50, 40, 30, 20 और इसके सामने ये 10 और ये 0। इसका मतलब जब टाइम जीरो था तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, जब 2 सेकेंड पास हुए तो उसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, जब 3 सेकंड पास हुए तो उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि विद द पासेज ऑफ टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको किसका मिला है? रिटार्डेशन का। किसका? रिटार्डेशन का और नेगेटिव एक्सेलरेशन का। किसका? नेगेटिव एक्सेलरेशन का। आई होप आपको ये ग्राफ अभी समझ में आए होंगे। सो ये हमने कुछ यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखा। अब मैं यहाँ दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको सिखाता हूँ वो है स्लोप और एरिया निकालना। ग्राफ के अंदर स्लोप और एरिया निकालना, ये दो टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, एरिया और स्लोप। एरिया तो आप लोगों को पता ही होगा, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। स्क्वायर का क्या एरिया होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट एंड अप टू सो ऑन। तो ग्राफ के अंदर जैसा भी फिगर होगा हम उसका एरिया निकाल लेंगे। स्लोप होता है, आप याद करो आपका जो शायद आपके स्कूल में जो ग्राउंड होता है, खेल प्ले ग्राउंड होता है, उसके अंदर आपने स्लाइड्स देखी होंगी, स्लाइड्स देखी है जिसपे बच्चे फिसलते हैं, हाँ जी देखी होगी ना। तो वो स्लाइड एक्चुअली वो स्लोप होता है। स्लोप को अगर मैं मैथमेटिक्स में पढ़ूँ तो स्लोप का मतलब होता है 10 थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? 10 थीटा। और थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूँ कि कब स्लोप ज़्यादा होता है कब स्लोप कम होता है, तो मान लो कोई हमारे पास ऐसी स्लाइडेबल पार्ट है, लाइक मैं यहाँ थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे दो ये पोर्शन बने हुए हैं, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन हमारे पास ये है। तो इन दोनों पोर्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों पोर्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो देखो दोनों ग्राउंड पर है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो ये जो ये हाइट होती है, क्या होती है? ये हाइट। तो इनमें से किसकी हाइट ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसकी हाइट ज़्यादा है। तो अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, और इसकी हाइट कम है तो इसका स्लोप कम है। और मैथमेटिक्स में स्लोप का मतलब 10 थीटा होता है, जो अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके मैथमेटिक्स के टीचर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कराएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी आप ये समझ लो, आपको एक ट्रिक मैं ज़रूर बता देता हूँ, वो क्या है सुनो। जैसे मेरे पास ये जो फिगर था, ये जो ग्राफ था, ये एक्स टी ग्राफ था, तो मुझे इसमें एरिया निकालना हो, जब आपको किसी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो आप वो जो दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया मैंने आपको? जब आपको किसी ग्राफ का एरिया निकालना हो तो वो ग्राफ जिन दो क्वांटिटी के बीच में है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में है? पोजिशन और टाइम के बीच में। तो मैंने एरिया निकालना था, मैंने पोजिशन इंटू टाइम कर दिया। पोजिशन इंटू टाइम
डिस्टेंस इंटू टाइम, क्या कोई फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इंटू टाइम? नहीं, कोई डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए ये हमारे लिए यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं होता। अब इसमें मैं स्लोप नहीं निकाल सकता, क्योंकि स्लोप तभी होगा जब हमारे पास कोई स्लाइडेबल पार्ट होगा, तो यहाँ तो कोई स्लाइडेबल पार्ट नहीं है। बट ये जो ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, इसमें देखो ये स्लाइड मिल गई हमें, तो मैं अगर यहाँ से एक ड्रॉ करूँ तो ये एच हाइट आ गई ना, समझ में आया? तो जब हम स्लोप निकालेंगे, जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप में, जब हम स्लोप निकालते हैं किसी ग्राफ का, तो वो ग्राफ जिन दो क्वांटिटी के बीच में है उन दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने इस x को t से डिवाइड कर दिया, x को t से डिवाइड किया। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यानी अगर आप एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। देखो मैंने दोबारा बता देता हूँ, एरिया निकाल रहे हो आप ग्राफ का तो उन दो क्वांटिटी को आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई। और अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो उन दो क्वांटिटी को आपस में क्या करो? डिवाइड। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। ये अगर यहाँ पर एंगल है तो ये हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगी? हाइट। और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है हाइट अपॉन बेस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम स्लोप निकालते हैं तो उन दो क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो वेलोसिटी आ गया। सिमिलरली ये देखो, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ मतलब इस साइड वेलोसिटी है, इस साइड टाइम है। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो याद करो मैंने क्या सिखाया, एरिया निकालना हो तो दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम कर दिया, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी आप वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अब मैं इसमें स्लोप नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि इसमें स्लाइडेबल पार्ट नहीं है। बट ये जो वीटी ग्राफ है देखो, इसमें स्लाइड हो रहा है, तो इसमें मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप जब मैं निकालूंगा तो स्लोप का मतलब था उन दोनों क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करो, तो मैंने वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया। और याद करो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। इन्हीं सब बातों को मैंने यहाँ पे समराइज किया है। अगर आप एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, एरिया एक्सटी ग्राफ का निकालोगे तो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।